किसान ऑफ इंडिया की टीम मध्य प्रदेश दतिया में आ चुकी है। वहाँ पर खेती किसानी संबंधित कई चीज़ें देखने को मिली। ऐसी एक कहानी, एक इंटरेस्टिंग कहानी, सलीम वर्कशॉप। आइए हम बात करते हैं सलीम जी से, जो कि इस वर्कशॉप के मालिक हैं, और उनसे पूछते हैं वो किसानों के लिए क्या क्या मशीनें बनाते हैं और क्या किन दरों पर बेचते हैं और कितना लाभकारी किसानों के लिए। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, आप क्या 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 बनाते हैं, क्या क्या इक्विपमेंट होते हैं, किस तरीके की चीज़? अपन ट्रॉली बनाते हैं, कंटीमीटरी बनाते हैं, स्प्रिंग बारा ही बनाते हैं, सादा बनाते हैं। स्प्रिंग बारा चलेगा रांकर में, सादा चलेगा पड़ुगा में, मार में और कावर में भी चीज़ में चलेगा, क्योंकि उसको खड़ा भी नहीं कर सकते और सेव भी नहीं कर सकते। लोड इतना देते हैं कि ट्रैक्टर पर लोड ना पड़े। आपने ट्रॉली का जिक्र किया और पीछे ट्रॉली भी रखी दिख रही है, तो आप इसमें हमको बता पाएंगे ट्रॉली में क्या क्या चीज़ों का देख रेख करते हैं, कैसे बनती है, किस तरीके से बनती है, किसान भाइयों के लिए किस तरीके से आप इसको हल्का एक मजबूत ट्रॉली बना के देते हैं? जी क्या है, किसानों के लिए ट्रॉली बनती है करीब करीब 18 क्विंटल की, 18 क्विंटल की बनी, उसमें वजन आएगा 25 क्विंटल माल, उसमें 25 क्विंटल आएगा। और ये आपको ट्रॉली दिख रही है, ये बालू के लिए है, इसका वजन 24 क्विंटल होगा, 350 फुट माल लेके चलेगी। किसान साथियों, ऐसे आप सलीम जी अपन को लेके जा रहे हैं के पिटारे में क्या क्या है और कौन कौन से इक्विपमेंट हैं, वो हमको सलीम जी बताएंगे। जी भैया, ये क्या है, ये पास है, ये मूँगफली उखाड़ने की है। ऐसा पानी नहीं गिरता है ना, तो सूखी मट्टी में ये मूँगफली उखाड़ देती है। और क्या क्या है आपके पास? कल्टीवेटर भी है। जी जी, कल्टीवेटर के पास चलते हैं, जो भी आप बता रहे हैं। तो क्या कल्टीवेटर की कीमत क्या होगी? कल्टीवेटर की कीमत 28,000 रुपया है। ये पलेट की कटिंग का है, ये मार में चलेगा, कावर में चलेगा, पड़ुआ में चलेगा, ठीक, ये राकर में चलेगा। भैया इसमें क्या क्या है, मतलब आप स्प्रिंग का भी कुछ बता रहे थे, हाँ, क्या सीन है? ये स्प्रिंग का है कल्टीवेटर, ये राकर में चलेगा, राकर माने फतरी लीजिएगा होती है, जो उसमें चलेगा। तो इसकी कीमत क्या है और क्या, और इसके अलावा और भी क्या उपयोग, किन किन चीज़ों में और अपन आसानी से कर सकते? इसमें क्या है कि बड़े बड़े पत्थर होते हैं ना, ये वो उखाड़ देती है। इसके ऊपर अपन पेटी भी रखेंगे, सीडल का काम करेगी भैया। ये मार में नहीं चलेगा, कावर में नहीं चलेगा, पड़ुआ में नहीं चलेगा, ये राकर में चलेगा। अब ये है सीडल, इससे पिसी की बुवाई होगी, चना की होगी, सरसों की होगी, उड़दा मसूर ये सब होगा। ये अपना खुद का बना हुआ है, ये हैरो है, ये 14 तवा की हैरो है भैया, ठीक। इसमें 11.5 किलो का तवा है, नीवल लट्टा होगा, 5 इंची की फ्रेम है इसमें, इसका वजन करीब करीब 9 क्विंटल होगा। ये खेत को बखरेगी, थोड़ी खुल जाएगी, ये खेत को बखरेगी। ऐसा खेत अपन ने धान काटी, धान काटने के बाद हैरो पट गई अपन ने, ये हैरो को खेत को बखर देगा ये। इसकी कीमत करीब करीब 30,000 रुपये है। कितनी डिमांड रहती है इक्विपमेंट, जैसे कि सीडर हुआ, कल्टीवेटर हुआ, और हैरो की कितनी डिमांड है दतिया में, आप दतिया के लोकल किसानों में, आपके यहाँ कितनी डिमांड है? हमारे इधर जैसे समझ लो करीब करीब सीजन पे 15-20 बैंक देते हैं हम। सबसे बड़ा सवाल भी होता है कि इक्विपमेंट आ जाता है, ट्रेनिंग के अभाव में किसान इसको इस्तेमाल नहीं करता, इसकी सेफ्टी को देखते हुए आपने क्या किया है? अच्छा, किसान इसको पकड़ने के बाद अब सेफ्टी नहीं कर रहा है, रख दी आपने तो दिक्कत आएगी उसमें, क्योंकि पानी गिरेगा, ग्रीस में पानी जाएगा, फिर बेयरिंग टूटेगी। अब मान के चलो वो सीडल दिख रहे हैं आपको, ये मूँगफली बोगा सर, एक बार दिखा सकते हैं हमारे दर्शकों का? ये इससे मूँगफली बहेगी, पीसी भी बहेगी इससे। क्या खास क्या ऐसा इक्विपमेंट जुड़ गया है कि इससे आपको मूँगफली हर तरीके की चीज़ें फसलें होकर? इसमें क्या है, इसमें गरारी बड़ी लगी है, तीन गरारी उसमें है। जो गरारी है चौड़े कप्पे की है, मूँगफली का दाना उठालेगी ये, इसमें ये खासियत है। तो सर, इसकी कीमत और क्या क्या सावधानियाँ? 40,000 रुपये है इसकी कीमत, 40,000 रुपये है। क्या क्या खासियत है कि क्या क्या ध्यान रखना चाहिए किसान साथियों? इसमें क्या है, ध्यान रखना पड़ेगा कुसियों का, कुसियों आपने कुसिया घुर गई, कुसिया घुर गई आपने पलटी लेंगे तो टांग घुरेगा ये, या तो नहीं लगा दो या पलट के लगा दो उसको, ठीक। ये राकर में चलेगा, इसकी बोनी नागर राकर की है, जो जगह होती है पत्थर वाली,
पथरीली जगह होती है जो उसमें वो नहीं करेगा ये, क्योंकि इसमें स्प्रिंग चली है, इसमें स्प्रिंग चली है जी, इस काम में आएगा। सर आपके तरकस में काफ़ी तीर हैं और काफ़ी मशीनें आपने एक वर्कशॉप में बना रखी हैं, तो इनकी मार्केट डिमांड और क्या मार्केट रहता है इनका, इन एग्रीकल्चर इक्विपमेंट का, दतिया के लोग कितने आपके पास पहुंचते हैं और किस तरीके से आप किसानों की मदद करते हैं? क्या है कि दतिया का किसान भी आता है, बाहर का भी आ जाता है, ऐसे यूपी का भी किसान आ जाता है। किसान क्या है, चाहो तो अपन पूछता है पहले इसकी रेट क्या है भैया, इसकी रेट क्या है, इसकी रेट क्या है, उसको किसान को हुआ अच्छा लगता है, हुआ मजबूत दिखता है, हुआ से लेता है किसान। अपन एरो क्या है, कोलारस तक पहुँचाते हैं, सीवरी पहुँचाएंगे, दिनारा पहुँचाएंगे, करेरा पहुँचाएंगे, ठीक, और बबीना भी पहुँचा देंगे अपन। अब रही ट्रॉली की बात, तो ट्रॉली जैसी आप बनवा लो जैसी बन जाती है। सलीम भाई का हम लोग बहुत शुक्रिया अदा करते हैं किसान ऑफ इंडिया से बातचीत करने के लिए। ऐसी नई कहानी को देखने के लिए बने रहिए किसान ऑफ इंडिया के साथ। किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन दबाएं और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।